हमको बना बनाया मिल जाए तो हम तो मालिक हो गए, हमें क्या पता कि कैसे देश संकटों में से आया है, अब कुछ भी कह लो। लेकिन जो चीज हमारे देश को जनता को खुशहाली दी वो कांग्रेस पार्टी ने ही दी है। अब क्या कारण है जो पब्लिक स्वीकार नहीं कर रही है, कैसे आदमियों का दिमाग। नेताजी चुनावी प्रचार चल रहा है, क्या विशेष ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में काम शुरू हो रहे हैं? जिस गांव में मैं खड़ा हूं, ये गांव है किशोरपुर जी, जहां पर एशिया का सबसे सुंदर देवर एयरपोर्ट बन रहा है, और इस एयरपोर्ट के अंतर्गत जिन किसानों की जमीन गई उनको चार गुना मुआवजा भाजपा के विधायक भाजपा की सरकार ने नहीं दिया है। हमारा मुख्य मुद्दा है उनको चार गुना मुआवजा दिलवाना, उस एयरपोर्ट में जितनी नौकरियां निकलेंगी, स्थानीय युवाओं को रोजगार मुख्य मुद्दा है, जो गांव में सड़कें टूटी पड़ी हैं उनको बनवाना हमारा मुख्य मुद्दा है। ठीक है, धन्यवाद जी। इस समय हम नरहेना गांव में हैं, हमारे कार्यक्रम का नाम है जनता का फैसला। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हैं हम नरहेना गांव में। यहाँ मालूम करते हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ वर्तमान समय में है बीजेपी की सरकार यानी योगी जी की सरकार, इससे पीछे थी समाजवादी पार्टी की सरकार, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की पार्टी। सुनो, आपने काफी उम्र के हिसाब से अनुभव किया होगा तीनों सरकारों के हिसाब से, अब हमें हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि सरकार आपको कौन सी अच्छी लगी या परिवर्तन। यदि बात करते हैं कांग्रेस के विषय में, लगता है मुझे लगभग 25-30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आई है, तो अब आप अपनी विचारधारा बताइए, क्या विचार है, क्या पुनः ये सरकार को चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं? देखो जी, सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, मैं किसी पार्टी से कोई लिंक नहीं है जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता। धन्यवाद जी। और जहाँ तक आपने ये जो प्रश्न रखा बहुत अच्छा प्रश्न है, होगा तो वो जो कुदरत चाहेगी। हाँ, बाद बाकी मेरे हिसाब से जो भी कुछ दिया है देश को कांग्रेस पार्टी ने दिया। अच्छा जी, क्यों दिया? क्योंकि हमारा संविधान बहुत सबको लेके बना है। हाँ, सबको अधिकार है जीने का, ना तो इसमें ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र फलाना राष्ट्र, हमारा जो देश है सब धर्मों को मानने वाला है। ठीक, सातों धर्मों को मानने वाला है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कुछ भी ना था, उन पूर्वजों से पूछो कैसे कैसे उस समय को निखार के यहाँ तक लेके आई, और आज जो 7 साल में विकास देख रहे हो, 7 साल का विकास तो नहीं है, ये बड़े बूढ़ों की देन है। हमारे बड़े बूढ़ों ने कैसे कैसे मेहनत करी, कैसे कैसे यहाँ तक लाए, अब हमको बना बनाया मिल जाए तो हम तो मालिक हो गए, हमें क्या पता कि कैसे देश संकटों में से आया है, अब कुछ भी कह लो। लेकिन जो चीज हमारे देश को जनता को खुशहाली दी वो कांग्रेस पार्टी ने ही दी है। अब क्या कारण है जो पब्लिक स्वीकार नहीं कर रही है, कैसे आदमियों का दिमाग पलटा जाए, वोटरों को कैसे लुभाया जाए, ये है जो कांग्रेस कर रही है वो किसी के बस की नहीं। तो क्या चाहते हैं परिवर्तन? हम तो ये चाहते हैं कि पब्लिक सबको परखे, एक एक बार सबको मौका दे, और अब की बार मतलब हमारे उत्तर प्रदेश से तो गए हुए काफ़ी दिन हो गए,
हमें सबकी सरकारें देखी है, विकास हुआ है, योजनाएं पहले से बन के आई हैं और वो आप धीरे धीरे ही लागू होंगे। एक साथ तो नए मकानों का देखो आगे आ जाए तो कांग्रेस बढ़िया बात है। फेस वार्ता से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।